पटना आ गए हैं, जिनको तो हम जानती नहीं है, उनको देखी भी नहीं है, कौन है, किस कर रूप से है, वो तो आज तक हमारे गांव में आए नहीं है। वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि हमें वोट चाहिए, लेकिन उसमें वो तो नहीं करते मतलब हैं। रोड के अंदर घर है तो वहाँ हमारे पचे के घर को कौन मतलब नहीं के को चार छह घर मकान है तो जाए चाहे ना कि भाई इनके गारंटी आए ये कैसा के वहाँ जा था इनका रास्ता हाई है हमारे गाड़ी का रास्ता नहीं है थी कैसा के आवा तो हम लोग तो सीधा सीधा बोलता है आयरा गोरू और आयरा नेता। आयरा नेता 25 साल से इस क्षेत्र में खा गए चर गए पूरे क्षेत्र को। हाँ तो गोल टूट है तो गर्म तो का गोली दिन कहीं जब प्राइवेट हुआ खरीद लिया गर्म पट्टी खरीद लिए अब का कही। तो उसी तरह जो आयरा गोरू है वो खेतों को खा जाते हैं उस तरह ये आयरा नेता जो है ये हमारे विधानसभा को खा गए। अर्जुन दवाई गोली लिख दे ही तो बोल ही जाओ प्राइवेट में खरीदा जाए का सरकारी गोली दवाई नहीं आवे। जब जीत जाते हैं विधानसभा वो उनमें और शिवराज सिंह जी में एक चीज कॉमन है जीतने के बाद 4 साल 6 महीने उनको जनता याद नहीं रहती। लास्ट के 6 महीने ही उनको लाडली बहना मामा को लाडली बहना याद आती हैं और हमारे विधायक जी को ही जनता याद आती है। जैसे जनता अब समझ चुकी है अब बिल्कुल इन आयरा नेता है इनको रगड़ने के लिए तैयार हो गई है। सांसद जी को जानती है और नहीं जानी तो ना आप किसको देने वाली है अगर भाई जब गांव जहाँ जाए तो आए अपने गांव घर दो लड़के बिटिए पढ़ीन लेकिन 12वीं पास अपने गांव में करीन हम जूं नहीं है झूठ काहे बोली। नमस्कार मैं हूं अनुपम अनूप आप देख रहे हैं द खबर दाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़ में और गुड़ बेहद ही गूढ़ कहा जाता है। यहां पर जो राजनीतिक चर्चा होती है जो राजनीतिक बात होती है वो रीवा में एक मिसाल कायम करती है। 15 वर्षों की बात करें तो यहाँ पर 10 वर्षों में भाजपा और 5 वर्ष में कांग्रेस की सत्ता रही। अब सत्ता के गलियारों की जो राह होती है जिन गलियों से गुजरती है उन्हीं गलियों पे हम मौजूद हैं और ये है शायद वार्ड क्रमांक 5, 4 और 6 के बीच का हिस्सा। यहाँ पर कुछ लोग हैं कुछ वरिष्ठ हैं कुछ युवा हैं और कुछ बच्चे भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि गुड़ की जो गुड़ रहस्यमयी बात है जो गुड़ का गुड़ रहस्यमयी राजनैतिक हलचल है वो वास्तविकता में क्या गुल खिला रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले तो दादा आप अपना नाम मेरा नाम जी ये गुड़ है और गुड़ बेहद गुड़ है लेकिन इस बार किसकी तरफ हवा चल रही है कांग्रेस की। आपका शुभ नाम जानना चाहिए। यहाँ जो गुड़ विधानसभा सीट है 15 सालों में 2 बार यहाँ पर नागेंद्र सिंह जी चुनाव जीते और लगातार दोनों बार और इस बार मौजूदा समय में भी कपिलेश सिंह उनके एक विपक्ष में उम्मीदवार के तौर पर थे। पहली बार निर्दलीय थे दूसरी बार समाजवादी से इस बार कांग्रेस से। तो इस बार क्या मुकाबला दिखाई देता है। इस बार कुछ नहीं मुकाबला कपिलेश से आगे चल रहे हैं हम लोग उनके साथ। तो पिछली बार तो 2 बार वो हार चुके हैं तो इस बार हार गए थे वो कांग्रेस में थे इसलिए हार गए इस बार कांग्रेस से है और हम लोग सब साथ में। क्या कमियां दिखाई देती हैं मौजूदा विधायक के कार्यकाल में जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं कपिल देव सिंह की तरफ आकर्षित हैं। विधायक जी द्वारा यहां कोई विकास का कार्य नहीं किया गया उनका एक ही आदमी विकास किया डॉक्टर कल्याण सिंह और उसी के फेवर में वो हमेशा रहते हैं ना पब्लिकों को सुनते कुछ काम लेके जाओ तो काम नहीं करते डाके भगा देते हैं गाली देते हैं होते हैं कि ऐसे ही हम नहीं जीत रहे हम लोग इसलिए क्या मुद्दे हैं किन मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनाव प्रचार में हैं। हम लोग तो सीधा सीधा मुद्दा है आयरा गोरू और आयरा नेता। आयरा नेता 25 साल से इस क्षेत्र में खा गए चर गए पूरे क्षेत्र को कोई विकास नहीं हुआ है केवल झूठा वादा कर करके हर बार जो है तो वे आयरा नेता जो इस नेता जिनकी बात हो रही है ये जरा गए हैं जो है मनगमा और हमारा गुड़ विधानसभा के जो नेता तो उसी तरह जो आयरा गोरू है वो खेतों को खा जाते हैं उस तरह ये आयरा नेता जो है ये हमारे विधानसभा को खा गए हैं। लेकिन 20 सालों से 25 सालों से तो चुन तो आप लोग ही रहे थे ना किसी को नहीं, लेकिन नहीं आज आप आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी है। मैंने कल भी आरोप लगाया था मैं आज भी आरोप लगा रहा हूँ। उस समय क्या है देखो क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी झूठी पार्टी है कि उसमें झूठ का व्यापार करती है उसने झूठ का बहुत बड़ी दुकान सजा रखी है।
और उस दुकान के कारण, झूठ के दुकान के कारण लोगों को समझने देर लगती है। जैसे जनता अब समझ चुकी है, अब बिल्कुल इन आयरा नेता है इनको रगड़ने के लिए तैयार हो गई है। तो अब जनता समझ चुकी, जनता समझ चुकी है, और जनता जो है कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब को अपना पूरा आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या मुद्दे हैं युवाओं के, विशेष तौर पर अगर हम बात करें युवाओं के? देखिए मुद्दा होता है पढ़ाई शिक्षा, जो हमारे भाई ने कहा, यहाँ पे आईटीआई की कॉलेज भी आई थी वो भी चली गई। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है, चाहे कोई भी स्कूल हो, सरकारी स्कूलें ऐसी हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ टीचरों को पैसे मिल रहे हैं, बाकी शिक्षा ऐसी है कि कुछ भी, बिल्कुल जीरो शिक्षा है ना, कोई विकास, कोई बिल्कुल विकास नहीं। आप बस स्टैंड चले आइए, बाईपास चले आइए, कहीं भी कुछ भी विकास। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण हमारे विधायक, वो बोलेंगे जो बोलना, हमारे विधायक जी हैं इसके पीछे के मुख्य कारण। वो सिर्फ और सिर्फ जीतते, जब जीत जाते हैं विधानसभा, वो उनमें और शिवराज सिंह जी में एक चीज़ कॉमन है, जीतने के बाद 4 साल 6 महीने उनको जनता याद नहीं रहती। लास्ट के 6 महीने ही उनको लाडली बहन, मामा को लाडली बहना याद आती हैं, और हमारे विधायक जी को ही जनता याद आती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसे आप शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अगर विंध्य प्रदेश की बात करें जो 8-10 जिलों का प्रदेश एक पूर्व में था, तो कितने? तो बिल्कुल अभी 9 तारीख को प्रियंका गांधी चुनाव के पूर्व बिल्कुल आई थी कमलनाथ जी। रही बात 15 महीने जब तक उनकी सरकार थी तब भी वो रीवा आए, दो बार वह रीवा आए। राहुल गांधी जी उस समय जिस टाइम सरकार बनी थी तब भी आए, तो उनका आप कंपेयर राहुल मामा से नहीं कर सकते, और उनमें और उनमें बहुत फर्क है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इन महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इसकी बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी शशिकला कौर। आपका? सेमवती कौरी। लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। आपको भी मिलता है? जी। खुश हैं? खुश। यहाँ की विधायक जो मौजूदा हैं नागेंद्र सिंह जी, तो नागेंद्र सिंह जी से कितना? नागेंद्र सिंह को तो हम जानती नहीं है, उनको देखी भी नहीं है, कौन है, किस रूप से है, वो तो आज तक हमारे गांव में आए नहीं है। तो वोट आखिर वोट आप देती हैं तभी तो वो जीतते हैं। वोट कौन देता है? आप लोग ही तो देते हैं। वोट तो दे ही थे। तो फिर कहती हैं पहचान भी नहीं मेरे गांव में कभी आए? उमरी गांव में नहीं गए कभी भी? कभी नहीं गए। 10 साल विधायक रहे जो थे यहाँ आपके गुढ़ में, कभी नहीं गए? नहीं देखती। वोट मांगने भी नहीं जाते? वोट मांगने भी नहीं जाते, प्रचार करने जाते हैं। प्रचार वाले जाता उस खुदाए आइए नहीं गए विधायक जी। अच्छा, सांसद जी को जानती हैं? हम नहीं जानी तो नाम का। तो वोट किसको देंगे, शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी को, या विधायक को, किसको देंगे? वोट किसको देंगे? आम पार्टी को देंगे। कौन है उम्मीदवार आप आम आदमी पार्टी के? अब होगा जो होगा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन वोट आम पार्टी में। चुनाव चिन्ह पता है? हाँ पता है। चुनाव चिन्ह क्या है? देखेंगे ऐसे वीडियो में। अच्छा। कौन किसका है अभी डिसाइड नहीं किया आप लोगों ने कि किसको देना है। आप किसको देने वाली हैं? अगर भाई जब गांव जहां जाए तहां अपने गांव घर के। और क्या समस्याएं जो तो आ रही हैं? अरे समीक्षा तो सब है, रास्ता नहीं आए, पानी का नल नहीं है, लाइट के परेशानी है, तो फिर बेहतर क्या हो रहा है? अरे तो लाइट मतलब ट्रांसफार्मर नहीं आए, ट्रांसफार्मर नहीं आए तो एक ट्रांसफार्मर चाहिए थे, रास्ता चाहिए थे, पानी की सुविधा चाहिए थी कि नल हो जाए। लेकिन बिजली तो आती है 24 घंटे जो है तो। हाँ बिजली आती है। तो ये तो एक तरीके से गांव का मामला है ना, सरकार तो दे रही है बिजली आप लोग मामला है। अब इसमें सरपंच, विधायक, उप सरपंच ये तो जाके जारी करें, देखें। वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि हमें वोट चाहिए, लेकिन उसमें वो तो नहीं करते हैं। रोड के अंदर घर है तो वहाँ हमारे पचे के घर को कौन मतलब नहीं के को 4-6 घर मकान है तो जाए चाहे ना कि भाई इनके गारंटी आए कि कैसा के वहाँ जा था, इनका रास्ता आई है, हमारे गाड़ी का रास्ता नहीं है थी, कैसा के आबात हुई जाए। चलिए आज अब हमारे रिपोर्ट के माध्यम से जो आपकी समस्या है वो प्रत्याशियों तक पहुंचेगी, तो कौन कौन सी समस्या है ये बता दीजिए। हो सकता है प्रत्याशी आपके पास नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो है ये रिपोर्ट उन पर तक पहुँच जाएगी।
हाँ तो बोला ना कि तीन चीज के हमको बहुत ही आवश्यकता हाँ। है, लाइट के, नल के, या लाइट रास्ता के। रास्ता गांव के सरपंच ने भी नहीं बनवाया? सरपंच बनवाए हैं पर जिसका घर अंदर है उनका नहीं बना है, बाकी रोड निकले। और बच्चों के लिए शिक्षा को लेकर के क्या काम किया गया? स्कूल वगैरह हैं अच्छे? स्कूल तो है, उमरी स्कूल है। पढ़ाई वगैरह भी होती है? हाँ स्कूल में सरकारी हमारे गांव में अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे दो लड़के बीटीए पढ़ीन लेकिन बारहवीं पास अपने गाँव में करीन। हम नहीं है झूठ काहे बोली। पढ़ाई अच्छी हो रही है। और हॉस्पिटल्स कैसे? हॉस्पिटल तो यही रायपुर है। रायपुर हॉस्पिटल अच्छा है? गोल टूट है तो गांव तक का गोली दिन कहीं जब प्राइवेट हुआ खरीद लिया, गरम पट्टी खरीद ली है। अब का कही गरम पट्टी खरीद ली ना, और जो दवाई गोली लिख दे ही तो बोल ही जाऊ प्राइवेट में खरीदा जाए। का सरकारी गोली दवाई नहीं आवे? तो जो सरकारी दवाई गोली आती होगी वो तो मिलती ही होगी। उसमें नहीं लाए हैं, गए रहे हैं। गए रहे तो कहीं गोर दुकान तो देखी सुनी नहीं कहीं की जब गरम पट्टी ले ली है। और बाकी जो है तो पाँच सालों का क्या हाल चाल रहा जो है? तो शिवराज मामा से खुश हैं? हाँ उनसे खुश हैं, उनसे खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुमटी में बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा होती है वो चाय और पान की दुकान पर होती है। अगर माहौल लेना है तो आप उस दुकान पर लेकर के ले सकते हैं। आपका नाम बताएं। आपके पास तो सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग आते होंगे, क्या माहौल दिखाई देता है? कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस तो सारे लोग कांग्रेस की बात करते हैं? नहीं, बहुत कुछ बीजेपी करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की कई सारी योजनाएं रही, लाडली बहना योजना अभी हाल ही के दिनों में चली, सीखो कमाई योजना चली, और भी किसान सम्मान निधि, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, तो क्या उनका असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देता है, अब पब्लिक बताएगी। लेकिन आपके पास जो पब्लिक आती है तो कहीं ना कहीं तो यहाँ की बात अगर हम बात करें, गुड़ नगर परिषद के बाद अगर हम बात करें तो बाहर की क्या स्थिति? यही गुड़ से मध्य अगर खबर वगैरह देखते हो, क्योंकि आप लोग तो जागरूक व्यक्ति। क्या तुम लोगों को भी कुछ बोलना है क्या? क्रिकेट टीम खड़ी हुई लेकिन क्रिकेट टीम इधर साइड है तो बात करें। आपका नाम? गोलू जी, जो ये गुड़ विधानसभा रहा है, यहाँ पर एक तरीके से बदलाव होता रहा, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इस बार क्या कुछ बदलाव, फिर बदलाव, तो क्या इस बदलाव का गुड़ के विकास पर कोई असर पड़ा है बीते वर्षों में, या फिर सिर्फ बदलाव एक परिपाटी बन चुका है, वही परिपाटी गुड़ दोहरा रहा है? इस बार काम होने की गुंजाइश है, और अगर नहीं हुआ तो होगा फिर से बदलाव। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने गुड़ के नगर परिषद की स्थिति को हमारे सामने साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये रिपोर्ट और इन लोगों की बात आपको अच्छी लगेगी। आप अपने सवाल, अपने सुझाव के माध्यम से हमें दे सकते हैं। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। कैमरामैन सुधांशु के साथ मैं अनुपम मनु, नमस्कार, धन्यवाद।